अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू टू द शाही किला पार्ट टू। यहाँ पर हम लोगों ने शाही किला कम्प्लीटली देख लिया। तो अचानक मुझे नज़र आया उल्लू। ये उल्लू बहुत क्यूट था, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उल्लू, इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन ये बहुत क्यूट था। थोड़ी देर बाद वो उड़ भी गया, उसने कहा मुझे देख ही लिया इन्होंने तो मैं फ्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर ये उड़ने की तैयारी, ये उड़ गया, टाटा बाय बाय उल्लू। यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ पर हम लोग वापस अपनी गोल्फ कार्ट के अंदर बैठने लगे थे, क्योंकि अब हम लोगों ने जाना था बादशाह मस्जिद के अंदर। शाही किला माशाल्लाह इतना बड़ा था कि अगर हम लोग चलते तो शायद चलते चलते थक ही जाते और बस शाही किला ही देखते, उसके अलावा और कुछ भी हिम्मत ना होती चलने की। सो खैर, यहाँ पे अब हम शाही किला को कहते हैं अल्लाह हाफिज़ और लेट्स गो टू द बादशाही मस्जिद और बाकी जगहों की तरफ। लेट्स गो। यहाँ पे हम बादशाही मस्जिद के पास पहुँच गए थे, उन्होंने कहा था यहीं पे हम उतारेंगे, बाकी आपको पैदल जाना होगा। सो यहाँ से आगे हम लोगों ने पैदल कंटिन्यू किया। दिस इज़ बेसिकली हजूरी बाग, और हजूरी बाग से यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखा सकती हूँ। ये लाहौर फोर्ट का ही किला था और यहाँ पे मुगल एरा रोशनी गेट भी आ जाता है। यहाँ से आगे सारे स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट खानों के और इन सब चीज़ों के। यहाँ पे ये स्टैम्प के साथ जो है वो मेहंदी लगती है, लाइक उनके पास कोई लिक्विड होता है जिससे ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अरसे बाद मैंने देखा था, मतलब जब मैं छोटी होती थी तब बहुत ज़्यादा लगाया था, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ना ये अब मुझे नज़र आया तो मैंने कहा नहीं मैं तो ये लगवाऊँगी। सो ये यहाँ पर स्टैम्प लगा के देने, उसके ऊपर ग्लिटर लगा देने, वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, अच्छा लगता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को पसंद होती, कुछ को नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत पसंद थी। सो यहाँ पर ये मेरे लग चुका है, मेरे बाद सबने एक एक करके सबने लगवाया था, हर किसी ने अपने अपने डिज़ाइन चूज़ किए थे। तो मैंने कहा था कि मुझे इस टाइप का फ्लावर टाइप डिज़ाइन लगा दें, और बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है, जिसको जो पसंद आया उसने वही लगवाया। सो यहाँ पे मेरी कज़न ने भी सेम ही मेरे जैसा ही डिज़ाइन लगवाया था, और यहाँ पे हमने छोटा सा डिज़ाइन देखा था, क्योंकि मेरी इस कज़न के हाथ छोटे छोटे से थे, तो हमने कहा इस पर छोटा सा डिज़ाइन लगा देते हैं। सो यहाँ पे ये छोटा सा फ्लावर बन गया है इसके हाथ पे, और ग्लिटर लग गया, इसने दोनों हाथों पे लगाते, एक नाम एक हाथ पे अपने हैंड नेम लेटर लगवाया था और दूसरे हाथ पर उसने डिज़ाइन बनवाया था।
सो यहाँ पे इसके भी लग चुका था और बाकी लोगों के भी लग चुके थे। यहाँ पे हम लोग के कंप्लीट हो गए थे। फिर हम आगे जा रहे थे बादशाह मस्जिद के अंदर, और बादशाह मस्जिद के अंदर ये पूरा फूड कोर्ट एरिया था। लाइक इसमें आपको जगह जगह पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स नज़र आ रहे थे, यानी कि खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो यहाँ पे ये शाही किला का गेट नज़र आ रहा है मैंने जो दिखाया है, और यहाँ पे अब आ गया टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का मज़ार भी था। अंदर तो नहीं खैर मैं गई, लेकिन बाहर से मैंने ज़रूर कैप्चर कर लिया था। Now here I'm going towards the most beautiful mosque of Pakistan, Lahore. So let's begin to the Bashe Masjid. अच्छा, बाशे मस्जिद में जाने से पहले यहाँ पे उन्होंने बास्केट सी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप सबके सब अपनी चप्पल जो है वो इस बास्केट के अंदर डाल दें। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे अपनी चप्पल जो है वो बास्केट में डाल के रख रहे थे। रख के शायद कोई टोकन भी दे दिया था। और ये है पुरानी, लाइक पुरानी पिक्चर्स की किस तरह पहले ज़माने में बाशे मस्जिद होती थी। अब तो खैर रिनोवेट हो चुकी हुई है कुछ। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ एंट्रेंस ऑफ बाशे मस्जिद। यहाँ पे ऊपर एक म्यूज़ियम टाइप था जहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया था। लाइक वो कह रहे थे कि आप ऊपर भी ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पे हम सब ऊपर जा रहे थे। बहुत नैरो स्टेयर्स थी जहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे थे, और लाइन बनाई हुई थी उन्होंने काफ़ी। और कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की और कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं थी। व्यू ऑफ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बाशे मस्जिद, यू कैन सी दैट अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे मैं टॉप फ्लोर पे यहाँ से घूम के मैं दूसरी साइड पे जाऊँगी। सो कुछ चीज़ें उन्होंने बेसिकली ये आपसे सनम की कुछ चीज़ें या उनकी वो मॉन्यूमेंट्स उस टाइप की उनसे बनाई हुई थी या लाए हुए थे, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और कुछ वो लोग रिकॉर्ड करने नहीं थे दे रहे, सो इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड की थी। फिर यहाँ से अब हम लोग नीचे उतर के दूसरी साइड पर जा रहे थे। सो रश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए ऐसे से जाना पड़ा। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अ मॉस्क, यू कैन सी दैट। सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, हालांकि समर्स डे थे उसके बावजूद बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक और जगह थी जहाँ पे उन्होंने कुरान पाक की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स रखी हुई थी। यहाँ पे ये साइड कॉरिडोर था बाशे मस्जिद का, जहाँ से हम लोगों ने कहा हर चीज़, हमने कहा आप आए हैं तो हर चीज़ को विज़िट करना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉरिडोर भी पूरा विज़िट किया। हालांकि कॉरिडोर में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर हमने ऐसे इंजॉय कर लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है मीनार पाकिस्तान का, मतलब क्लियरली मीनार पाकिस्तान यहाँ से खड़े होकर आपको नज़र आ सकता है। सो दिस इज़ माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बाशे मस्जिद। इट्स अ ब्यूटी ऑफ लाहौर, यानी कि कहा जा सकता है कि खूबसूरत तरीन बाशे मस्जिद लाहौर की। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर एंगल से खूबसूरती, इस बाशे मस्जिद की खूबसूरती को कैप्चर कर सकूँ। तो मैंने हर एंगल से हर पोजीशन से जो कैप्चर करने की कोशिश की। सो यहाँ पे ये गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग व्यू। सो यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके थे और अपने अपने सब चप्पल पहन रहे थे। यहाँ से चप्पल वगैरह पहनने के बाद अब हम लोग निकल गए थे। ये कुछ आलमगीर अकेडमी थी, और आई डोंट नो अबाउट, क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं गई, शायद ये बंद थी क्या था मुझे अभी याद नहीं है अच्छे से। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ अ बाशे मस्जिद, और बाशे मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट जो है वो शाही किला है। सो मतलब आमने सामने दोनों आपस में हैं। सो यहाँ से अब हम वापस जा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने ये खिलौने लिए थे जो कि बहुत पहले भी चलते थे ये हाथ में पहन के। सो यहाँ पे ये लोग हाथ में पहन के बहुत खुश हो रहे थे, मेरे कज़न्स, और इन्होंने आपस में बातें भी करना स्टार्ट कर दी थी इसके साथ। सो यहाँ पे ये देख सकते कि वो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, जो भी इन्होंने नाम रखा था मुझे नहीं पता क्या नाम रखा था। यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं शाही किला पे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किया था, लाइक हम लोग पार्किंग एरिया में। सो यहाँ पे अपोजिट ग्रेट इकबाल पार्क भी थी, लेकिन ग्रेट इकबाल पार्क हम नहीं गए क्योंकि उधर काफ़ी टाइम, लाइक रात के टाइम उन्होंने कहा था कि माउंटेन का व्यू बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे अपनी पार्किंग में, क्योंकि भूख बहुत लगती है। हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए चलो। स्टे ट्यून फॉर थर्ड पार्ट एज वेल। सो दिस इज़ माई व्लॉग एंड आई होप यू लाइक। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।